जोई श्रीवास्तव, वायलिन वादक, जीवन परिचय। गगन बाबू के प्रमुख शिष्यों में श्री जोई श्रीवास्तव का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। आपका असली नाम स्वामी चरण श्रीवास्तव था। इनके माता पिता प्यार से जोई कहा करते थे। ये नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि शायद ही किसी को असली नाम ज्ञात हो। पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। आपके स्वरों में जो आकर्षण और मिठास था, वह शब्दों के परे है। एक ओर आपने गतकारी अंग को समृद्धशाली बनाया तो दूसरी ओर उसे कलाकार और जनता दोनों के समझने योग्य बनाया। कहीं भी बजाना हो, आप बड़ी निर्भीकता से बैठते थे। आप स्वभाव से सरल, मिलनसार और मृदुभाषी थे। प्रत्येक कलाकार के लिए आपके दिल में श्रद्धा और आदर था। किसी कलाकार की आलोचना आपके मुख से कभी भी सुनने को नहीं मिला, बल्कि आप उसके प्रशंसनीय अंग को ही देखते थे। अपने शिष्यों को बड़े प्रेम से शिक्षा देते थे। आपका जन्म सन 1930 में इलाहाबाद में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद था, जो बड़े संगीत प्रेमी थे। आपको संगीत सीखने की प्रेरणा अपने बड़े भाई स्वर्गीय श्रीराम से प्राप्त हुई, जो स्वयं एक अच्छे वायलिन वादक थे। आपके एक भाई बांसुरी बजाते थे, जो बहुत सुरीले थे। घर में संगीतमय वातावरण होने के कारण आपको बहुत सी चीजें अनायास ही याद हो गई। गगन बाबू से वायलिन की शिक्षा प्रारंभ हुई, किंतु उनको मृत्यु के बाद आपने अपने बड़े भाई श्रीराम श्रीवास्तव से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इनके अतिरिक्त आपने उस्ताद अलाउद्दीन खां से भी शिक्षा प्राप्त की। बाल्यपन से ही आप कार्यक्रम देने के समर्थ हो गए थे। किशोरावस्था में आते ही आप एक योग्य कलाकार हो गए। कुछ वर्षों तक आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, फिर प्रयाग संगीत समिति में और अंत में आकाशवाणी इलाहाबाद में कार्य करने के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के राष्ट्रीय वृंदवादन में कार्यरत थे। लगभग 35 वर्षों तक आकाशवाणी दिल्ली में काम करने के बाद कुछ वर्षों तक गांधर्व महाविद्यालय में वायलिन शिक्षा देते रहे। आपके अनेक ख्याति प्राप्त शिष्य हुए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया तथा वायलिन वादक श्रीराम शास्त्री को आपसे संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। आपने इस नश्वर काया को सदा सदा के लिए 6 दिसंबर 2003 को त्याग दिया।